सुकून सुकून जो मंदिरों में मिलता है ना दोस्तों, वो तुम्हें किसी भी जगह नहीं मिलेगा। गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं हूँ, आपको पता ही है कल मैं यहाँ शाम को बांबा पहुँच चुकी थी, तो मैं अभी जा रही हूँ मंदिर और मेरे साथ मेरी सिस्टर है। हाँ, यही वो मैं दुपट्टा भूल गई थी, मैंने निकाला तो था, मैं भूल गई थी, दे दीजिए। बाय बाय, बोलो जय फैला पंचनाग, जय फैला पंचनाग, ओके बाय। अब मैं जा रही हूँ मंदिर, अभी हम हैं जय फैला पंचनाग। ओके दोस्तों, तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर, थोड़ा रास्ता भी देखना पड़ेगा, ऊपर खाबड़ा है ना, फोन को भी देखना है कितनी मजबूरी है। और ये मेरी दीदी खाली मुझे गुस्सा कर रही है सुबह से। सुबह की पहली किरण, दोस्तों यहाँ पे बहुत ठंडा है, दिन में तो धूप आएगी तो सही हो रहा मौसम, और सुबह मैं नहाई तो ऐसी हुई कुड़कुड़ी से जम गई बाय गॉड से। और क्या बताऊँ, मेरी दीदी को बहुत जल्दी लगी, वो देखिए कैसे भाग रही है आगे, देखिए कैसे भाग रही है आगे। जय इष्ट देव फैला पंचनाग की जय। और मैं पहुंच चुकी हूँ, थोड़ा सा पैदा 1 किलोमीटर होगा, ज़्यादा नहीं है। देखिए मेरे पीछे दोस्त, हमारा इष्ट देव मैती देवता, यानी कि ये मेरा मायका है, तो हमारी मैती देवता की जय। अब हम करेंगे पूजा थोड़ी सी, ओके। देखिए चलो मेरे साथ, आप आज आप लोग भी मेरे साथ पूजा कीजिए हमारे इष्ट देव की, ठीक है। ये हमारे फैला देवता हैं और वो हमारे पंचनाग देवता थे, इसीलिए हमारे इष्ट देव का नाम है जय फैला पंचनाग। जय फैला पंचनाग, जय फैला, जय फैला पंचनाग इष्ट देव, अपनी कृपा बनाए रखना भगवान जी। सुकून सुकून जो मंदिरों में मिलता है ना दोस्तों, वो तुम्हें किसी भी जगह नहीं मिलेगा। तो जब भी मंदिर आओ, कम से कम 10 मिनट जब नहीं होता है तो 5 मिनट तो ज़रूर आपको बैठना चाहिए और सोचना चाहिए अपनी लाइफ के पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट के बारे में। ओके दोस्तों,
ओके दोस्तों, अब हमारी पूजा हो गई है और अब हम जा रहे हैं गांव की ओर। आपको मैं अपना गांव फिर अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे पीछे दिख रहा है, ये है बांपा, द लास्ट विलेज, लास्ट थर्ड विलेज ऑफ इंडिया। लास्ट है नीति, उसके बाद गमसाली, देन ये वाला गांव आता है। मतलब इसके बाद एक दो गांव और है, उसके बाद आपको तिब्बत बॉर्डर लग जाता है। ये है हमारा गांव बांपा। अरे पहाड़ देखो, कितने खतरनाक पहाड़ है यहाँ पे। ओके दोस्तों, तो हमने पूजा कर ली है, थोड़ी देर के जैकेट निकालनी पड़ी क्योंकि हमें बहुत तेज धूप थी और धूप अब फिर चली गई है। अभी हम जा रहे हैं अपने गांव फिर से बांपा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, और अभी भी अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये देखिए सरसों के फूल। आते समय घंटी नहीं बजाते कभी मंदिरों में, जो हमारी मन्नत होती ना वो वापस चल जाती है, ऐसे बोलते हैं, क्योंकि घंटी तो भगवान को जगाने के लिए होती है ना। सही कहा मैंने, बताइए, मैंने ऐसा सुना है कि घंटी जब हम मंदिरों में जाते हैं तो घंटी हमें पहले बजानी चाहिए, क्योंकि फिर भगवान जी उठ जाते हैं, फिर वो हमारी मन्नत सुनते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, फिर वो सो जाते हैं। थक गए ना दीदी, स्माइल तो कर दो, सीधी वीडियो क्यों डालना यार, सबको यही दिक्कत होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों बताइए दोस्तों, ये बड़ी मेरी फोटो डालने वीडियो में, आप बताइए इसकी फोटो डालू कि नहीं डालू। ओह अब लगी थकान, क्योंकि चढ़ाई चढ़नी है थोड़ी सी। ओ भाई हमारे मंदिर में कैसे गाना चढ़ावा, केसरिया बोल, लगता है हमारे भगवान जी भी केसरिया सुनने लग गए। हाथ लगा ले। हेलो भैया, नमस्ते, और कैसे हो? आपकी दुकान कहाँ पे? अच्छा ठीक है। अरे मेरे पापा यहाँ घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हो? आ गए गीतिया नेगवाड़ बहुत सारी फोटोज और वीडियोस के बाद अब हम पहुंच चुके हैं घर, और ये व्लॉग मैं दो दिन में अपडेट कर दूंगी दोस्तों, ठीक है, इसलिए आप लोग बोर मत होइएगा। ओके ये देखिए टीन वाले घर पहले के, और यहाँ पे ये आसन लगा, दन लगा है बुनने के लिए कालीन, और मेरी मम्मी कितना काम करती है दोस्तों, देखो काम ही करती है। अब दो दो बेटियों को खाना खिलाना है तो काम तो करना पड़ेगा। ये देखिए पहले के घर ऐसे थे, अब तो हमने सब नया बना दिया यहाँ पे मोस्टली, पर ये हैं देखो सबके लग नए नए घर बन रहे हैं। वो ये कहाँ जा रही मेरे को, हाँ अच्छा कोई नहीं क्या है वहाँ, कोई है कोई वहाँ, कितने सुंदर घर होते थे ना पहले, कलाकारी वाले घर। पहले के घर देखिए कितने सुंदर हुआ करते थे, इतनी बारीक काम होती थी, और अब सब रेडीमेड हो गया। ये देखिए मेरे पीछे एक और पूरी लकड़ी से बना घर है, और अब तो अंबुजा सीमेंट वाले भी घर पक्के नहीं है दोस्तों। पतली सी गली से जाना पड़ रहा है और मैं अटक गई हूँ बीच में। ओह गॉड, देखिए कितना सुंदर घर है, देखते रहिए मेरे पीछे के घर।
कितने सुंदर सुंदर है ये घर। पूरी लकड़ी का खराब बना घड़ा।